हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी सतवन सिंह। और आज हमने गुरुजी के साथ में जैसा आपसे वादा किया था कि वीडियोज़ आएंगी आपकी, तो वीडियो लेकर हम आ गए हैं। अभी गुरुजी के इसका गले का ऑपरेशन हुआ था जैसा आपको बताइए, उसकी वजह से बोल नहीं पा रहे थे और कई सारी थेरेपीज़ वगैरह चल रही थी इनकी। तो आज गुरुजी हम कौन सी वीडियो बनाने वाले हैं, कौन सा जादू सीख रहे हैं आज हम लोग? आज मैं आपको दो चार आइटम ऐसे सिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और आप इसे लाइक करिए, कमेंट भी करिए और देखिए भी और सीखिए भी। बिल्कुल, पहला आइटम देखिए आप, ये अपने अपने कलर के तास हैं, ठीक है जी। इधर से भी अपने अपने कलर के तास होंगे। इनमें से भाई जी एक पत्ता निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो। हाँ, मुझे मत दिखाना, कैमरे को दिखाते हैं। हाँ, मुझे नहीं दिखाना, आप किसी को भी दिखा सकते हैं। ये पत्ता मैंने निकाला है, जरा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसी में डाल दीजिए। ठीक, अब भाई जी ने पत्ता निकाला, हमें पता नहीं पत्ता कहाँ पे, किसका कहाँ है। ठीक, आपका पत्ता मैं बाहर निकाल लूँगा तो आप पहचान तो लोगे। हाँ बिल्कुल, फिट तो ठीक है, सच बताना गलत नहीं। बिल्कुल, देखिए आपका दांस ये है, दिखाओ। नहीं ये नहीं है। अरे यही होगा। नहीं ये नहीं है। ये नहीं है ना। ये नौ नंबर है। हाँ, ठीक है। हाँ, ये नौ नंबर में आपको दिखा के यहाँ रख देते हैं नीचे। अब आपका दांस शायद ये होगा। नहीं ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों में से नहीं है। नहीं, इसको मैं बोलूंगा कि एक दो तीन, तो ये आपका पत्ता बन जाएगा और दूसरा गैप हो जाएगा। यही आपका पत्ता? हाँ यही है मेरा पत्ता। यही वाला है। हाँ बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, ये जो तांस का जादू है, इसे सीखने में कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये हाथ की कला होती है, जादू मंत्र नहीं होता है। चलो इसको बता रहे हैं, इसको बताने से पहले मैं आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं जी, बोले जो हम हाथ जो चुकाते हैं लोगों का। हाँ, हाँ। हाथ चिपक जाता है, पैंट चिपक जाती है। हाँ, तो उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मतलब लोग हर वीडियो में लोग हर इसी बात को लेकर लोगों का जिक्र रहता है कि हाँ ये कैसे चुपका, मतलब हाथ कैसे चुपकता है। नहीं ऐसा होता है ना, एक हाँ। तो एक तो ट्रिक होती है। हाँ। एक जादू की ट्रिक होती है। हाँ। और एक मैजिशियन की होती है। हाँ। ये चीजें अलग अलग होती हैं। Okay. एक इंद्रजाल का जादू होता है। हाँ। जो कि विद्या द्वारा शुरू किया जाता है। Okay. अच्छा, उसे कोई आदमी सीखना चाहे, वो ये सोचेगा यार मैं सीख लूंगा तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन वो जब सीखेगा, कम से कम मेरे पास में 11-12 साल से साथ रहे, इतनी देर में उसको ये चीज़ आएंगी, क्योंकि ये चीज़ पूजा वाली है, ये लाख वाली चीज़ है। Okay. ये वो चीज़ नहीं है जो हम किसी को भी बता सकते हैं, और इसमें हर आदमी कामयाब भी नहीं हो पाता है। इसमें Okay. कोई ऐसा आदमी होता है जो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है, तो इसलिए ना तो हम उसका खुलासा कर सकते हैं, ना हम किसी को हम सिखा सकते हैं। अच्छा, जो ये एटम वाली चीज़ें हैं, इसे आप भी कर भी सकते हैं, मतलब इसे कोई भी कर सकता है। हाँ, ये जो मैक्सिमम जादू है। हाँ, इसे कोई भी कर सकता है। हाँ। वो चीज़ कोई नहीं कर सकता, उसके लिए तो मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि वो मैं आपको नहीं सिखा सकता। हाँ, कि ये मतलब जो चीज़ें मैं उसे मंत्र वगैरह उससे रिलेटेड है। हाँ, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, तो ये तो बहुत मुश्किल वाली मतलब चीज़ें। मंत्री होते हैं कुछ और प्रक्रिया होती है? ये लाग होती है, ये एक पढ़ाई होती है, और ये पढ़ाई देखो बचपन से होती है तो जवानी में आती है। अब इतना लंबा टाइम हर किसी के पास तो है नहीं। हाँ। कि मानो भाई किसी को भी सिखा सकते हैं। हाँ। तो ऐसे नहीं हो पाता है, इसलिए मैं किसी को बता नहीं था, ना उसका खुलासा कर सकता। और वैसे जब हमें सिखाया जाता है तो जो हमारे गुरु उस्ताद होते हैं ना, वो हमको कसम देते हैं, हम उनकी कसम का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो मैं चीज़ किसी को नहीं सिखा सकता। ठीक है तो भाई, उसके लिए तो सॉरी है। हाँ, जिसमें कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, अभी हम इसका चालू करते हैं, इसी को दिखाते हैं। हाँ, इसको एक बार और दोबारा करके दिखाते हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा डीपली दिखाएंगे, ठीक, क्लोज से देखिए, लोगों को ये समझ ना आए। हाँ जी, देखिए ना लगे बोले कि हाँ ये सब कुछ ऐसे हाथ में हो गया। हाँ जी, आप इसमें से एक पत्ता मतलब आप नहीं, कोई भी निकाल सकता है। चलो कोई नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये मैंने एक पत्ता एक पत्ता निकाला, और ये पत्ता है ये। हाँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है, ये पता है। अब आप इसी में डाल दीजिए, देखो कहीं भी बीच में आप कहीं भी डाल दीजिए, बीच में से निकाल। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलर जगह है, ये लोग बीच में डाल दिया। ठीक है, अगर जो मान लिया जाए कि ये गलत पत्ता हमने रखा हुआ है। हाँ। जब पहचान में रखा हुआ है। हाँ। तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें फुरेरी लगा देते, सारे पत्ते सेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पता नहीं कि कौन सा पत्ता कहाँ है। हाँ। अब भी अगर जो बाहर आएगा तो फिर तो सही रहेगा ना। बिल्कुल, देखिए आपका तास जो निकाला है ये नहीं नहीं है, नहीं नहीं है ना, नहीं।
इस पत्थर को हम यहाँ आपके सामने नीचे रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं कि एक दो तीन, तो ये वो पत्ता गायब हो जाता है और ये पत्ता इसका दूसरा बन जाता है। हाँ यही है, देखिए यही था पत्ता, यही था जो मैंने निकाला था, लेकिन लास्ट टाइम पर ये नहीं था जो नीचे दिखाया। हाँ जी ठीक, ठीक है सर। हाँ अच्छा, इसको सिखाने के लिए आपसे, इसको मैं बाद में सिखाऊंगा या अभी सिखा दूँ? अभी सिखा दो, अभी सिखाएं। हाँ क्योंकि इसी वीडियो में सब कुछ एक ही जाना है ना। ठीक, अच्छा सर इसमें होता क्या है, ये 52 गड्डी होती है, ठीक है। इस गड्डी के अंदर इस सेट से ये छोटी है, ओके, ये वाली सेट से, और ये वाली सेट से ये बड़ी है, ठीक है। ओके, हम इनमें से अगर जो तांस कोई सा निकालते हैं, हाँ, और इसमें डालते हैं, तो होता है कि एक्चुअली में जैसे ये तांस हमने निकाला है, हाँ, ठीक है, तो ये तांस घूम जाता है। ओके, इसे यहाँ लगा देते हैं इसके अंदर। अच्छा। तो अब इस पत्ते को आप कहीं भी सेट कर दो, कहीं भी लगा दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगले के हाथ में दे दो तो वो फेंट लेगा, कुछ भी कर लेगा, करने के बाद में पत्ता आपकी पकड़ में रहेगा, वो वाला वो ऐसे रहेगा, देखिए। ठीक ठीक, हाँ ये है आपका पत्ता। हाँ हाँ हा। है ना, मतलब इसको आप कहीं भी फिट करेंगे, हाँ, तो ये आपकी पकड़ में रहेगा, चाहे कोई कितना फेंट ले, ठीक है। इसमें आप फुरेरी लगा दो, फेंट दो, एक एक पत्ता अलग अलग कर दो, लेकिन इसका मैना का जड़ कहाँ है, ये इस जगह पे, क्योंकि इधर से ये तांस बड़ा है, इधर से छोटा है, ठीक है। आराम से इस पत्ते को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये कला का मतलब करके देखो, बिल्कुल हो सकता है सर। चलो करके देखिए, ट्राई करता हूँ। हाँ जी, ये तो बड़ा वाला तो इस साइड आ गया ना, हाँ, उसको घुमाना पड़ेगा। हाँ जी ठीक, अभी सारे एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए। एक्चुअली मुझे तो तांस फेंटने भी नहीं आती। कोई बात नहीं, अभी तांस खेलने नहीं अभी लाइफ में। तो आप कीजिए पहले, पत्ता निकलवाइए, मैं ही निकाल लेता हूँ। हाँ आप निकालो, और कोई नहीं, आप निकाल दो कोई सा। हाँ जी कोई सा निकालते हैं, लेकिन ट्रिक तो अब पता ही है, बहुत सिंपल हो गई है। अब आप गड्डी घुमा दो। वैसे सारे पत्ते, सारे तांस अलग अलग हैं, आप देख ही सकते हो। ट्रिक है, अभी और भी इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। अब तो आप गड्डी घुमा दो। अब मैं ये लूंगा, ठीक है, देख लो आप। अब मिलाते हैं। हाँ अभी देखो, ये तास है आपका। हाँ ये तास, अब हमें ये इस तरह से रखेंगे, ठीक। ये बड़ी साइड होगी, ये नहीं होगी। हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नहीं मिला लो, तो नहीं मिला, कुछ नहीं होने का। नहीं मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, आपको लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी साइड है, नहीं है। ओके मैं इसको मिला देता हूँ। वाओ ठीक है, कितनी आसान चीज है, दिखने में इतनी अजीब लगती है भाई। इसको पक्का सीख जाओगे आप, एकदम एक बार में सीख जाओगे। हाँ इतनी बढ़िया ट्रिक है ये। ये तो नहीं है ना, ना। अब अभी देखो आपका ये तास तो नहीं है, चलो मैं और एक बार फेंट लेता हूँ, उसके नीचे ले जाता हूँ। हाँ नीचे जाना चाहिए। ये तो नहीं है आपका, मैंने तो देखा नहीं था। अच्छा ये नहीं था, आपको पता होगा कि हमें नहीं पता ये वाला है। ये तो नहीं है, अब ये नहीं है ना, इसको निकाल के यहाँ रख देता हूँ। यहाँ रख देते हैं, एक फेंट और मारता हूँ। ये भी नहीं होगा, ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 1 2 3 ताज गॉन, असली वाला आ गया। यही था ना, पहली बार भी सीख गया, एक बार भी आ गया। अच्छा एक बात और, एक प्रॉब्लम है जी। अब ये तो हमें सिखा दिया, ये ताश ऐसे आएंगे जी। अब इन ताशों को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं या ये गड्डी मिलती है? नहीं आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब गड्डी भी ले सकते हैं। वैसे गड्डी लेने में आपको फायदा है, इसको बनाने में ना थोड़ा वक्त बहुत लगता है, क्योंकि इसका एक एक तांस छांटना पड़ता है। हमें इधर से इस सेट से हमें पतला करना पड़ेगा। हाँ। ये सेट हमें चौड़ी करनी पड़ेगी। हाँ। ताकि हमारा पत्ता यहाँ से चौड़ा होना चाहिए, जो हम कभी इसे निकालना चाहे तो आराम से निकाल लें। अच्छा इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लो हर किसी को तो गड्डी नहीं मिलेगी। हाँ हर जगह से नहीं मिलेगी, हर किसी को नहीं पहुँचा सकते, नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि जो बात का चीज़ है वो बाद में देखी जाएंगी, किस तरह से लोगों को देंगे कैसे नहीं देंगे जी। पर जैसे ग्लेंडर से आदमी ताश की गड्डी लें और उसको इधर से छील ले हल्का सा, हाँ इस तरह से, थोड़ा सा इधर से हल्का सा छिल्ले, हाँ होना चाहिए जितना, हाँ इतना सा होना चाहिए। हाँ एक इंच, एक इंच नहीं मतलब एक सूत के आसपास। हाँ एक सूत के आसपास हो जाए। हाँ। तो उससे क्या होगा, जब ताश रोटेट होगा तो ये बहुत कम ना के जितनी बढ़ेगा, एक तरह से दिख भी नहीं रहा है, हल्का से दिख रहा है, गैप दिख रहा है इसमें, ये इतना गैप इसमें हो जाएगा जिससे आप बड़े आसानी से इस तरह का ताश बना सकते हो। 400 लोगों में आप इस जादू को दिखाओ और बड़ी आसानी से सीख जाओगे। अगर ये वीडियो, अगर ये जादू आप सीख गए हो रियल में, अगर ये सीख गए हो तो कमेंट में बताना कि भाई इसको सीख गए हैं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भाई गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला होता है। हम लोग तो खैर चेलों में काउंट होंगे, लेकिन गुरु का पकड़ नहीं कर सकते। इसलिए सिंपली आप क्या बोलेंगे गुरु जी के लिए, और उसके लिए चिपकाने वाली वीडियो के लिए सॉरी,
इसको बनाने के लिए आपको सिंपल घिसना है, ताश की हड्डी साइड से घिस लेनी है, और घिसने के बाद बहुत नाम की जितनी घिसनी है, ट्रेन में, बस में, घर में, किसी दोस्त यार दोस्तों में, जन्मदिन में, कहीं भी दिखा बताओगे ना किसी के दादाजी के बस का भी नहीं है जो आपको पकड़ ले बोले कि हाँ क्या है, क्योंकि बीच में ताश लगाना आँख बंद करके कहीं भी रख दो, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगी होगी, बहुत आसान है, मैं पहली बार में सीख गया उसको, हाँ। तो आप भी बड़ी आसानी से उसको सीख गए होंगे, रियल में लगता है बोले कि हाँ कि आप सीख रहे हैं हमारी वीडियो से, अच्छा लग रहा है वीडियो, और आगे मोटिवेशन के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई नई वीडियोज़ नई नई पोस्ट आपके पास आती रहेंगी, और अगर खाली जादू के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी की बाइंस वगैरह और शॉर्ट फिल्म्स भी आएंगी, उनको भी पूरी तरह से आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, ये आपकी डिमांड पर ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है भाइयों, अभी ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आप जाओ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद, और आशा करते हैं आपको समझ में आई गई होगी ये वीडियो, आ गई है तो प्लीज़ बताइए कहाँ पर कर लिया, ठीक है।